पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या लग रहा है, आज के दिन माता ने महिषासुर का वध किया था, लगता है कि कलयुगी महिषासुर अभी भी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कलयुगी महिषासुर अभी भी हैं। आए दिन लड़कियों के साथ गलत व्यवहार, गलत तरीके से इन लोग को छेड़छाड़ कर जाना, ये होना चाहिए। अभी भी कोई दुर्गा माँ का रूप प्रकट होना चाहिए और इन सब महिषासुर का वध होना चाहिए। अभी महिलाओं का अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा। हाँ अभी भी उठाना पड़ेगा, स्वयं रक्षा अपनी खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो कलयुग है, कृष्ण तो आएंगे नहीं बचाने के लिए। सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा खुद से, लेकिन लोग हैं जो ऐसा सुनते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी झा। आज दशमी है, आपको बता दें कि आज के दिन ये मान्यता है कि आज ही के दिन माता महिषासुर का वध की और अधर्म पर धर्म की जीत हुई। इसी पर चलिए महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो अब कलयुगी महिषासुर है उनके लिए क्या अब महिलाओं को खुद से आना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन महिलाओं के साथ जिस तरीके से बर्बरता होती है इसकी एक घटना आप सब सुनते हैं। तो चलिए आज इस मुद्दे पर महिलाओं से ही बातचीत कर ली जाए। क्या नाम है मैम आपका? विनीता। आज के दिन महिषासुर का माता ने वध किया था, क्या लगता है कि अभी भी कलयुगी महिषासुर है इस दुनिया में? है तो सही, बिल्कुल है। आए दिन महिलाओं के साथ बर्बरता, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। बस यही कि पॉलिटिशियन थोड़े सुधर जाएं तो सब कुछ सही हो जाएगा। ताकि आज के दिन महिषासुर का माता ने वध किया था, तो अभी भी कलयुगी महिषासुर है क्या? हाँ होंगे, तभी ना ऐसा परंपरा आ रहा है और सही चल रहा है। क्या लग रहा है, अभी महिलाओं का अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा? हाँ अभी भी उठाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ महिला के देख रहे हैं कोई भी कदर है, कहीं भी लड़की लोग का बलात्कार होता है, ये होता है, वो होता है, तो उस हिसाब से तो महिला को जरूर उठाना ही पड़ेगा। जैसे माता नौ दिन में, हाँ नौ दिन में तो हाँ संहार करी, जैसे हम लोग भी एक तरह से संहार करना के लिए शुरू किए हैं इस चीज को। तलवार भाला उठाएंगे? हाँ जरूर उठाएंगे, क्यों नहीं। ठीक है। क्या नाम है आपका? सृष्टि। क्या लग रहा है कि महिलाओं के साथ जो आए दिन बर्बरता होती है इसकी घटना बढ़ी है? हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसके लिए महिलाओं को ही अब कदम उठाना पड़ेगा, अपना सेल्फ डिफेंस खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके हस्बैंड या उनके भाई कुछ ऐसा टाइम पे वो लोग आ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी महिलाओं को सेल्फ डिफेंस अपनाना चाहिए। उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उन्हें खुद अपना स्वयं रक्षा अपनी खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो कलयुग है, कृष्ण तो आएंगे नहीं बचाने के लिए, खुद ही आना पड़ेगा। तलवार भाला उठाएंगे ना? हाँ हाँ ज़रूर। आज के दिन माता महिषासुर का वध करती हैं, क्या लगता है कि अभी भी कलयुगी महिषासुर है? हाँ अभी भी है। अच्छा है। तो कैसे खत्म किया जाएगा, महिलाओं को खुद सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा खुद से, लेकिन लोग हैं जो ऐसा सुनते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। ठीक, क्या कहेंगी मैम ये महिलाओं के साथ जो इतनी बर्बरता वाली खबर आ रही है, वो मिटनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, इसके लिए सब एक साथ होना पड़ेगा तो मिटेगी। और बाकी जो हमारे जो लोग हैं, जो पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, उन लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा तो हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। सिर्फ महिला के सोचने से नहीं होगा, पुरुषों को भी सोचना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग कि क्या करना है। क्या लग रहा है, आज के दिन माता ने महिषासुर का वध किया था, लगता है कि कलयुगी महिषासुर अभी भी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कलयुगी महिषासुर अभी भी हैं। आए दिन लड़कियों के साथ गलत व्यवहार, गलत तरीके से इन लोगों को छेड़छाड़ कर जाना, ये होना चाहिए। अभी भी कोई दुर्गा माँ का रूप प्रकट होना चाहिए और इन सब महिषासुर का वध होना चाहिए। आज के जनरेशन के लिए, हमारी बच्चियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हाँ बच्चियाँ अभी आज भी सेफ नहीं हैं, हम लोग पढ़ लिख तो ज़रूर लिए हैं लेकिन मेंटली हम लोग अभी भी हम लोग अपने मानसिक विकास को नहीं कर सके हैं। हमारे समाज में पुरुष प्रधान है, सारे पुरुष ऐसे नहीं होते हैं, काफ़ी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ एक दो की खराब मानसिकता के कारण पूरा समाज हमारा आए दिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है, बहुत मने दुख होता है, बहुत दुखद ये है। कहाँ कमी आ जाती है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं? ये भी नहीं बोलेंगे कि परवरिश अच्छा नहीं है, अगर लड़कियों की परवरिश माताओं ने अच्छा से किया तो नेचुरली, बट नेचुरल है कि बेटों के भी की होंगी। समाज में है कुछ लोग ना समझ है, नहीं समझ पाते हैं, पढ़ लिखने के बाद भी गलतियां कर जाते हैं, तो हम लोग को थोड़ा समय लगेगा। हाँ एक दिन में तो ये सुधार होने वाला है नहीं,
थोड़ा समय तो लगेगा, और सभी को, हर इंसान को, मर्द हो या औरत, सारे लोगों को यह फर्ज बनता है अपने समाज के प्रति, यह दायित्व बनता है कि हम अपने समाज को, कुरीतियों को ख़त्म करें और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हम लोग एक नया समाज बनाए, नया दुनिया बनाए, जहाँ लोग हम लोग को प्रशंसा करें और समाज, पूरे दुनिया लोग भारत को आज भी देखती है अच्छे नज़र से देखती है, और हम लोग इन सब छोटे छोटे चीज़ में रह जाए तो बहुत, हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, नवरात्र का पावन महापर्व चल रहा है और इसी बीच हमने महिलाओं से जानने की कोशिश की कि जो कलयुगी महिषासुर हैं, आखिरकार उनका खात्मा कैसे किया जाएगा, क्या सरकार करेगी, क्या न्यायपालिका करेगी, या खुद महिलाओं को अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेना पड़ जाएगा, क्या कुछ महिलाओं का कहना था इस पर, हमने आपको तमाम बातें सुनवाई। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, आप देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।